हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपना सर्च एंड सीजर टॉपिक कंप्लीट किया था अंडर सेक्शन 132 ए, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की थी और हमने कहा था कि आज के इस सेशन में हम लोग को कवर करना है, क्या कवर करना है, असेसमेंट अंडर सर्च केसेस। और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, ढंग से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये सर्च केसेस वो तो देख लिया, असेसमेंट कैसे होता है, दिस इज आर टूडेज टॉपिक। इसके बारे में जो सेक्शंस बताए गए हैं वो बताए गए हैं, ढंग से सुनेंगे, इसके बारे में जो सेक्शंस बताए गए हैं वो हैं सेक्शन 153 ए बी सी डी। बेसिकली ये सेक्शंस हैं जो इस टॉपिक को कवर करते हैं। सेक्शन 292 सी बी है, वो लास्ट में देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं अपने सेक्शन 153 ए पर। क्या है ये 153 ए? और अगर स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे, दिस इज सो इजी स्टोरी, बहुत आसान है, टॉपिक में कुछ भी ज्यादा नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी एसएससी के ऊपर कोई सर्च इनिशिएट हुआ है, इनिशिएट में सर्च किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 132, ठीक है ना, और या तो बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट, या तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स या कोई एसेट मिली है, रिक्विजिशन की गई है अंडर सेक्शन 132 ए में, उसके लिए कहा गया है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन बी सी डी ए बी सी डी, ऑल अदर प्रोविजन शेल अप्लाई टू द असेसमेंट मेड अंडर दिस सेक्शन। यानी इसके अलावा, इन चार सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि बाकी एक्ट खत्म हो जाएगा, ना 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 ना, इन चार सेक्शंस को आपको सबसे टॉप पर रखना है। इनके अलावा इनको सेफ रखते हुए बाकी सेक्शंस इनकम टैक्स के इक्वली एप्लीकेबल होंगे, वो देखा जाएगा कैसे और कहाँ, जरा देखेंगे। मैं ये चीज बताऊंगा यहाँ पर, ये इट मींस, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 53 ए को ध्यान में रखो, 153 ए को, उसके अलावा जो अदर प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, उसमें पेनाल्टीज हैं, डिफॉल्ट ऑफ और नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है, इंटरेस्ट है और प्रोसिक्यूशन है, वो सब इक्वली एप्लीकेबल होंगे। फिलहाल ये मुझे केवल आपको दिखाना था, समझाना था, वापस आते हैं, ज़्यादा देर नहीं है वहाँ पर पहुँचने में। तो कहने का मतलब यह है सेक्शन 153 ए, 153 बी, सी और डी के प्रोविजंस को फॉलो करो और इनको सेफ रखो। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के दूसरे प्रोविजंस हैं उनको भी इक्वली फॉलो करना पड़ेगा, ओके? तो अगर कोई सर्च इनिशिएट हुआ है और या फिर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स, कोई एसेट रिक्विजिशनड है अंडर सेक्शन 132 ए में, यानी दो सेक्शंस के तहत यहां पर काम हो रहा है। द फर्स्ट वन सेक्शन 132 जहां सर्च हुआ है, और सेक्शन 132 ए जहां पर कोई एसेट रिक्विजिशंस की गई हैं, तो आपको 153 ए को फॉलो करना है। वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी कि असेसिंग ऑफिसर एक नोटिस सर्व करेगा। क्या करेगा? एक नोटिस सर्व करेगा एसएससी को और कहेगा कि सर जी, आपके ऊपर एक सर्च इनिशिएट किया गया था, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स एसेट रिक्विजिशन की गई थी अंडर सेक्शन 132 ए, ठीक है। अब हम आपसे कहते हैं कि आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो। एसएससी कहता है मैंने तो फाइल कर रखा है, इनकम टैक्स ऑफिसर यानी एसेसिंग ऑफिसर कहेगा सो व्हाट, कर दिया तो क्या हुआ, दोबारा रिटर्न फाइल करो। एसएससी कहेगा नहीं नहीं, मैं तो इनकम टैक्स के दायरे में ही नहीं आता, तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा सो व्हाट, तो भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करनी पड़ेगी। एसएससी कहता है नहीं 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 नहीं, मेरा तो केस ऑलरेडी अंडर सेक्शन 143(3), 144 और 147 में कंप्लीट हो चुका है और मैंने वहां रिटर्न्स उनके हिसाब से दाखिल कर दी थी, तो एसेसिंग ऑफिसर कहेगा सो व्हाट, तो भी आपको रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। एसएससी कहता है कि नहीं 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 नहीं, हमने ना अपना जो रिटर्न दाखिल भी कर दिया था और मेरा असेसमेंट पेंडिंग में चल रहा है, असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, असेसमेंट या री असेसमेंट मेरा पेंडिंग में चल रहा है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर यानी असेसिंग ऑफिसर बोलेगा सो व्हाट, आपको रिटर्न तो दाखिल करनी ही है।
यानी किसी भी सिचुएशन में एसएससी को रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 153A में नोटिस सर्व करवाकर कहा जा सकता है कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द रिटर्न वॉज फाइल्ड और नॉट, वेदर द एसएससी वॉज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम और नॉट, वेदर एनी असेसमेंट रिलेटिंग टू एनी असेसमेंट ईयर इज पेंडिंग और नॉट, और वेदर एनी असेसमेंट हैज बीन असेसमेंट और रीअसेसमेंट हैज बीन डन और नॉट। सारे केसेस में आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। ओके, ये चीज तो सर समझ में आ गई। एक चीज और बताइए, ये असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है? यहाँ दो चीजें याद रखेंगे। असेसमेंट ईयर सिक्स ईयर का एक ब्लॉक बनाया गया है, सिक्स ईयर्स का एक ब्लॉक बनाया गया है, प्लस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो मैं यहाँ दो चीजें बोल रहा हूं। मैं क्या चीजें बोल रहा हूं? मैंने बोला प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर और ईयर्स, प्लस मैंने बोला रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सर इन दोनों में फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है। ये सिक्स ईयर्स के ब्लॉक को कवर करता है और ये फोर ईयर्स के ब्लॉक को कवर करता है। इन टोटालिटी 10 ईयर्स के रिटर्न को हम बोल सकते हैं, 10 ईयर्स की डिमांड कर सकते हैं, प्लस करंट ईयर वो एक्स्ट्रा होता है। मेरी बात ढंग से समझेंगे, करंट ईयर वो एक्स्ट्रा होता है, वो इस 10 साल में शामिल नहीं होता, यानी टोटल 11 साल हो गए अलग से देखा जाए तो। मैं फिर बोलता हूँ, तो सर कौन से असेसमेंट ईयर्स के रिटर्न्स को फाइल करने की बात बोलता है? तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हम अब इस टॉपिक को दो पार्ट में काट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक, जहाँ पर 6 साल का एक ब्लॉक रखा गया और दूसरा 4 साल का एक ब्लॉक रखा गया। अब दोनों को अलग भी पढ़ेंगे और मिला करके भी देखेंगे, ठीक है ना? तो सर क्या है, द AO शैल इशू नोटिस टू सच पर्सन रिक्वायर हिम टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच असेसमेंट ईयर फॉलिंग विद इन 6 असेसमेंट ईयर। ओके, ये पहला वाला टॉपिक, हाँ या ना? एंड फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर्स, तो 4 साल का ब्लॉक जो बनाया गया है उसमें से कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, दैट इज अप टू द असेसिंग ऑफिसर। ये जरूरी नहीं कि 10 साल पूरा करे, 6 साल प्लस 1 साल, 6 साल प्लस 2 साल, 6 साल प्लस 3 साल, यानी पिछले 4 सालों में 6 साल के पहले के जो 4 साल हैं वहां में आपकी मर्जी है, मतलब असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है कि वो 4 साल का रिक्वायर करता है या किसी 1 साल का। तो मैं फिर से बोलता हूं, तो अब ये फर्क समझ में आया कि ये 6 साल वाला पहला है और ये 4 साल का अलग से ब्लॉक है, ठीक है ना? कहते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच असेसमेंट ईयर फॉलोइंग विद इन 6 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द इन विच द सर्च इज कंडक्टेड और एक्विजिशन इज मेड फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर्स। अभी मैंने ये कुछ नहीं बताया 4 साल का, उसके लिए ये बता रहा है। चलिए मैं नीचे आपको, नीचे क्यों, चलिए मैं कहता हूं डेट ऑफ सर्च है, ढंग से सुनेंगे। डेट ऑफ सर्च है 15 अक्टूबर 2020 को, 15th अक्टूबर 2020। इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा रन कर रहा है? ये 2021। इसका मतलब ये असेसमेंट ईयर कौन सा है? 21-22, हाँ या ना? प्रीवियस ईयर इन विच सर्च इज इनिशिएटेड, दिस इज योर प्रीवियस ईयर 2021। अब आते हैं तो हमारे प्रीसीडिंग 6 ईयर्स कौन कौन से होंगे जिनके लिए कहा जाएगा रिटर्न दाखिल करो अंडर सेक्शन 153A में? प्रीवियस ईयर या कह सकते हो असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 1920, 1819, 1718, 1617 एंड 1516।
बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये 6 सालों का उससे मांगा जा सकता है बिना किसी टेंशन के। अब मैं वापस उस सेंटेंस पर चल रहा हूँ, जैसे देखिए ना मैंने क्या बोला, इस सेक्शन इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। कहा गया इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल वही है, इन विच द सर्च वॉज इनिशिएटेड, रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च इज इनिशिएटेड और रिक्विजिशन इज मेड। एंड इसके अलावा सर, इसके अलावा क्या है? अरे सर, इसके अलावा 4 ईयर्स का ब्लॉक और आ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं, ब्लॉक नहीं आएगा, वो अलग अलग बोल सकते हैं, आप लोग ढंग से सुनेंगे। प्लस इनको हम बोलेंगे रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो हम लोग इसको 6 साल का ब्लॉक न बना करके 4 साल का सेपरेट और क्यूमुलेटिव ब्लॉक बनाएंगे, इसीलिए इसको एक अलग से नाम दिया गया रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, इसीलिए इसको अलग से नाम दिया रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर्स। अब कौन से बचे? असेसमेंट ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 13-14, 12-13 एंड 11-12। लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है, यानी बियॉन्ड सिक्स ईयर्स बट नॉट लेटर देन 10 ईयर्स। हाँ या ना? तो ये सेंटेंस याद रखेंगे, अभी काम आने वाला है। तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर्स का मतलब क्या हुआ? ये 4 साल। होप सो बिल्कुल क्लियर है टॉपिक है, अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो कहीं दिक्कत हो रही हो, जस्ट लाइक अ स्टोरी। तो इन 4 सालों के लिए डिमांड तभी की जा सकती है जब किसी भी एक साल में या इन चारों में इन एग्रीगेट, सेपरेट और इन एग्रीगेट 50 लाख प्लस की कोई एसेट डिस्क्लोज हुई हो। ओके, इज इट क्लियर टू यू? देखा जाए, अब ये 4 साल को सेपरेटली और क्यूमुलेटिव ले लेंगे, अगर इन 4 ईयर्स में कोई एसेट जो 50 लाख या उससे अधिक की हो, ऐसी इनकम कोई भी जैसे एसेट which has that the income represented in the form of asset which has escaped assessment amount or is likely to be exceed 50 lakhs or more in the relevant assessment year or in aggregate of the relevant assessment year। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको, अब समझ में आया उन 4 सालों को कब कवर अप करेंगे। चलिए अब मैं फिर से देखता हूँ, ये फिर से मैं बिल्कुल हटा रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको शुरू से बताऊँगा एक एक चीज़। सुने, नोटिस के लिए कहता है 6 साल को अलग करो, यानी ये हमारा 6 ईयर्स को कर रहा है कवर और ये 4 ईयर्स को कवर कर रहा है। अच्छा, 6 ईयर के लिए बोलता है नोटिस विल बी सर्व्ड, हाँ या ना, शैल इश्यू नोटिस टू सच पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, ऐसी नोटिस इश्यू की जाएगी इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच असेसमेंट ईयर, हर एक ऐसे असेसमेंट ईयर के लिए फॉलिंग विद इन 6 असेसमेंट ईयर, जो उन 6 सालों को कहा जाता है, जो उन 6 सालों में कवर होंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च इज कंडक्टेड और इनिशिएटेड और रिक्विजिशन इज मेड। एंड, और जब एंड की बात करता है ना, किसकी बात करता है? एंड यानी इसमें शामिल है क्या? फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर्स, तो दोनों चीजों को कवर किया है। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, जरा ढंग से सुनेंगे। कहा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब यहां पर क्या बात है भाई, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब है कोई भी ऐसा असेसमेंट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च इज कंडक्टेड और रिक्विजिशन मेड विच फॉल्स बियॉन्ड 6 असेसमेंट ईयर। हाँ या ना, जो उन 6 सालों के बाद कवर होता है 6 असेसमेंट ईयर्स बट नॉट लेटर देन 10 असेसमेंट ईयर्स
फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द सर्च वॉज कंडक्टेड और इनिशिएटेड और द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर रिक्विजिशन. हाँ या ना, चलिए, यानी 132 और 132 ए दोनों की बात कर रहा है, पक्की बात है. लेकिन इन चार सालों के लिए नो नोटिस, कोई नोटिस नहीं भेजी जाएगी फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तो भैया ये वाले ही है ना, ये वाले ही तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है ना, और ये रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब ये चार साल. तो कहता है इन फोर ईयर्स के लिए हमको नोटिस नहीं भेजनी है अनलेस, जब तक कि ये कंडीशंस पूरी ना हो जाए. पहली कंडीशन, द असेसिंग ऑफिसर हैज़ इन द पोजीशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स. जो असेसिंग ऑफिसर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या एविडेंस हैं जो साफ साफ बताती हैं कि जो इनकम है, जो कंसील्ड इनकम है, अंडर रिपोर्टेड इनकम है, वो रिप्रेजेंटेड बाय इन फॉर्म ऑफ एसेट है. जो इनकम इन फॉर्म ऑफ एसेट्स है, जो इनकम इन फॉर्म ऑफ एसेट्स है एंड विच हैज़ बीन एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू 50 लैक्स और मोर इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर सेपरेटली और इन एग्रीगेट. तो उन चार सालों को आप अलग अलग भी देखेंगे, क्यूमुलेटिव भी देखेंगे, और 50 लाख अलग अलग भी देखेंगे, क्यूमुलेटिवली भी देखेंगे. गॉट इट? तो कहा गया एसेट का मतलब क्या है. तो एसेट का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, शेयर्स और सिक्योरिटीज भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, शेयर्स और सिक्योरिटीज भी हो सकता है, और लोन्स एंड एडवांसेस भी हैं, और डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट भी हैं. ये चार चीज़ें कवर होती हैं एसेट्स का मतलब. तो उन फोर इयर्स में जो इनकम एस्केप्ड हुई है वो इन चार फॉर्म्स में हो सकती है. वो इनकम एस्केप्ड हुई है जो रिप्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, और एसेट्स का मतलब यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टीज है जिसमें लैंड भी शामिल है, बिल्डिंग भी शामिल है, दोनों को कवर कर सकते हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को कवर सकते हैं, डिपॉजिट्स इन बैंक्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस को कवर किया जा सकता है. हाँ या ना बोलो. दूसरा, ऐसा सर्च इनिशिएट किया गया हो 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद. ऐसा सर्च इनिशिएट किया गया हो 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद. तो बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है. मैं वापस आपको यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ. मैंने बोला था ना 6 साल बाद, लेकिन 10 साल के अंदर तक. चलिए इन चार सालों को सेपरेटली और क्यूमुलेटिवली दोनों देखेंगे, और यहाँ पर एसेट्स की बात करेंगे, और एसेट्स होंगी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, चाहे दोनों हो, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ हो, लोन्स एंड एडवांसेस हो, और लास्ट था आपका डिपॉजिट्स इन बैंक हो. तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है. ये तभी यहाँ पर हम लोग सर्च के प्रोसीडिंग्स को करेंगे इन चार सालों में. अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं जो आगे कवर होगी, चिंता नहीं करना है. कहता है कि अगर मान लो इस एक साल में 40 लाख का कोई इनकम मिला और इस एक साल में 20 लाख की कोई इनकम मिली, अंडर रिपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, इधर कुछ नहीं और इधर कुछ नहीं, तो क्या करें. तो बस इन दो ईयर्स का आपको नोटिस इश्यू करना है. 50 लाख से अधिक है ना, तो इन दो ईयर्स का करो, 14-15 एंड 12-13 का. इट इज़ ऑफ नो यूज टू रिलीज द नोटिस और इश्यू अ नोटिस फॉर द ईयर 13-14 और 11-12. इट इज़ ऑफ नो यूज एट ऑल. इज इट क्लियर? बात समझ में आई? एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, इफ सर्च इज कंडक्टेड ऑन 30 जून, अगर 30 जून को सर्च कंडक्ट हुआ है तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्या है सर, 2021. इसका मतलब असेसमेंट ईयर क्या है सर, 21-22. और इसका मतलब पिछले 6 साल कौन कौन से होंगे. तो फर्स्ट ईयर होगा 2021, ये असेसमेंट ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 तक का ये 6 साल का ब्लॉक एक बनेगा. इसके पहले के 4 साल, पिछले 4 साल कौन कौन से आ जाएंगे सर, 14-15, 13-14, 12-13
एंड 11, 12 ये तभी कवर होंगे जब इनमें से किसी भी एक साल में या सबका मिला करके जो हमारी एसेट के फॉर्म में इनकम एस्केप्ड हुई थी वो 50 लैक्स और मोर हो, और ऐसा सर्च इनिशिएट किया गया 1 अप्रैल 17 के बाद। तो ये तो सर्च इनिशिएट किया गया है ना 1 अप्रैल 17 के बाद। तो कहता है द एओ कैन ऑल्सो एसेस द इनकम ऑफ 11, 12 जो मैंने अभी लिखा नीचे और 2, 15, 14, 15 इफ द इनकम और एग्रीगेट इनकम स्केपिंग असेसमेंट इन दीज असेसमेंट ईयर अमाउंट्स टू रुपीज एटलीस्ट 50 लैक्स। होप सो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इस चैप्टर में यही था जो आपने अभी किया है। इसके बाद तो जस्ट लाइक अन स्टोरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं वो है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पर, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग, तो जो आपके पास सेक्शन 153A में नोटिस जाएगी उस नोटिस में क्लियरली मेंशन होगा कि आपको अपना रिटर्न किस तारीख तक सबमिट कर देना है। क्लियर। असेसमेंट ऑफ इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच असेसमेंट ईयर, ओके बिल्कुल सही है भाई। 6 साल का हमने क्यों दिया, ताकि आपको हर 6 ईयर्स की हम आपके असेसमेंट अलग अलग कर सकें। असेसिंग ऑफिसर शैल असेस और रीअसेस द टोटल इनकम ऑफ ईच ऑफ 6 असेसमेंट ईयर्स एंड फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और असेसमेंट ईयर्स, जिसमें रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स भी शामिल हैं। तो 6 साल + 4 साल, 6 साल का हर साल का अलग अलग होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट वॉट अबाउट दोज 4 ईयर्स, इफ ऑल दीज कंडीशंस वुड बी सेटिस्फाइड, देन इन दैट केस दोज 4 ईयर्स विल बी कवर्ड अंडर सर्च केसेस। ठीक है ना, सर्च असेसमेंट हो सकता है उसमें से किसी एक साल को कवर किया जाए, हो सकता है सारे के सारे वो 4 साल कवर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका भी असेसमेंट होगा और हर एक का असेसमेंट अलग अलग होगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है। अब तक जो हम लोगों ने देखा उसका मतलब ये निकला कि 153A के हिसाब से असेसमेंट तो होगा ही होगा हर एक साल का, प्लस उसके अलावा ये 153A, B, C, D ये तो फॉलो किया ही जाएगा, साथ ही साथ इनको सेफ रखते हुए हम पेनाल्टी के जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। हम पेनाल्टीज के वो प्रोविजंस, पहला तो अंडर रिपोर्टिंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम वाला, दूसरा रिटर्न ऑफ इनकम को देर से फाइल करने वाला, तीसरा इंटरेस्ट 234 ABCD, प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276CC फॉर फेल्योर टू द फाइल ROI। चलिए, यानी कि बाकी सारे एक्ट्स के नॉर्मल प्रोविजंस तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। अब हम आपको बताते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैंने आपको शुरू में कुछ चीज बताई थी, क्या बताई थी सर? मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रिटर्न दाखिल कर दी है तो भी आपके ऊपर नोटिस आएगा रिटर्न दाखिल करने का 153A में। आपने नॉर्मल रिटर्न दाखिल की थी 143(3) में की थी, 144 में किया, 147 में, डजंट मीन एट ऑल। उस सेक्शंस में आपके असेसमेंट हो भी चुके हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी असेसमेंट या रीअसेसमेंट हो चुके हैं तो भी आपके ऊपर सर्च के असेसमेंट होंगे। लेकिन अगर असेसमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, अगर असेसमेंट या रीअसेसमेंट पेंडिंग में है, यानी वहां पर अभी केस चल रहा है, तो क्या होगा? दूसरा, अगर मैंने कोई अपील फाइल कर रखी है ITA CIT में, ITAT में, या फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर? इन ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं फिर से लिख दूं एक बार, मैंने कहा कि मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की थी और असेसमेंट डन हो चुका है, मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की थी, मेरा रीअसेसमेंट डन हो चुका है, मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की थी, मेरा असेसमेंट या रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3), 144 या 147 में पेंडिंग पड़ा हुआ है, ध्यान देंगे, या मेरा असेसमेंट CIT अपील में
पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी भी वो प्रॉब्लम में चल रहा है, यानी उस पर अपील फाइल हो चुकी है, ITAT में चल रहा है, हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है। ये केसेस हो सकते हैं जो मेरे पिछले 6 या 10 साल के बारे में ये कहानी गाएंगे। अगर असेसमेंट हो चुका है कोई फर्क नहीं पैंदा, रीअसेसमेंट हो चुका है कोई फर्क नहीं पैंदा, और अगर आपका असेसमेंट या रीअसेसमेंट पेंडिंग में है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपका असेसमेंट पेंडिंग में है या रीअसेसमेंट पेंडिंग में है, तो यहां प्रॉब्लम आई। ये मेरा शैल अलग कलर से लिख देता हूं ताकि समझ में आए, शैल अबेट। अबेट का मतलब होता है कम टू एंड, यानी फिनिश, ये फिनिश हो जाएगा। सोचो हो चुका है तो हो ही रहा है, हो चुका है असेसमेंट रीअसेसमेंट तो हो ही रहा है 153A में, अगर पेंडिंग है तो भैया अब यहां काम उसका हो ही रहा है तो पेंडिंग वाले को अबेट कर दो, उसको एंड कर दो। इतनी जगह मारा मारी करने की जरूरत नहीं है। आपके केसेस ऑलरेडी असेसमेंट या रीअसेसमेंट में पेंडिंग है किसी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कहीं भी किसी भी स्टेज पर, कहीं पर भी किसी भी लेवल पर, वो सब के सब एंड मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर अपील का केस है, अपील का केस चल रहा है, तो आप उसको एंड नहीं करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर अपील का केस है तो आप उसको एंड नहीं करेंगे। अबेट क्या होगा, अबेट होगा केवल और केवल आपका जो असेसमेंट या रीअसेसमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी में पेंडिंग चल रहे हैं। इज इट क्लियर, पक्की बात है, जिसमें अपील शामिल नहीं है। रिट्रीटमेंट ऑफ पेंडिंग असेसमेंट, वेयर एनी असेसमेंट और रीअसेसमेंट रिलेटिंग टू एनी असेसमेंट ईयर और ईयर्स फॉलिंग इन द सेड पीरियड, उन 6 साल या 10 साल में, 143(3), 144, 147 ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द सर्च अंडर सेक्शन 132, और ये शैल बिकम अबेट, वो कम टू एन एंड। इट मीन्स अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन शैल नॉट बी अबेट बट शैल कंटिन्यू। और जो अपील वगैरह रिवीजन वगैरह का केस है भैया, वो कंटिन्यू रहेगा एज सच, उसको ये 153A के असेसमेंट में कवर अप नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, हाँ या ना, बात समझ में आई? अच्छा, ये जो इसका असेसमेंट का ऑर्डर आएगा ना, मैं इधर क्यों जा रहा हूँ, ये जो असेसमेंट का ऑर्डर आएगा ना, ये जो असेसमेंट का ऑर्डर आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा, अंडर सेक्शन 153A पक्का आएगा। तो ये जो असेसमेंट का ऑर्डर आएगा सर, बिल्कुल आएगा, इसको हम CIT अपील में अपील कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आपका ये केस अपीलेबल है, कैन बी मेड टू CIT अपील, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपील का जो डिसीजन होगा उसका क्या करें, तो एक काम करते हैं, ये हम लोग थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि मैटर बिल्कुल आपका 100% रिवर्स हो जाएगा अगर मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो जो अभी सुर लय ताल बना हुआ है वो टूट जाएगा। लास्ट में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, चलें आगे। ये इसमें डिसीजन में एनलमेंट आ जाएगा, एनलमेंट फिर रिवाइवल में आ जाएगा, क्या होता है एनलमेंट, क्या होता है रिवाइवल, वो कैसे होगा, वो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ टैक्स, जो हर साल का असेसमेंट होगा उसके टैक्स रेट क्या होंगे, अरे उसी साल वाले टैक्स रेट होंगे जिस साल का वो असेसमेंट है। टैक्स रेट शैल बी लेविड एट द रेट और रेट्स एज एप्लीकेबल टू द रेस्पेक्टिव ईयर उसी साल का फॉलिंग इन द सेड पीरियड, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। सर बी आपने नहीं बताया, वो टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट है, उसको अभी हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हम सबसे पहले 153C की बात करते हैं।
153C क्या है, ये था आपका 153A और ये अब बात कर रहे हैं 153C। होता क्या है, मान लो इसके यहाँ सर्च का केस हुआ या फिर कुछ रिक्विजिशन हुआ, सर्च के केस में कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट पकड़ी गई, तो आज तक आपको ये मालूम था, एक प्रिजम्पशन ले लेते हैं, नॉर्मली प्रिजम्पशन ले लेते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो इसी की हैं, जो उस पर सिग्नेचर हैं वो इसी SSC के हैं, जो उस पर डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट हैं, जो भी लिखा गया है वो प्रूफ है, ये मान करके चला जाता है कि जो भी सर्च केसेस में वहाँ से बुक्स एंड अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, ऑल दोज थिंग्स विल बी ऑफ दिस SSC, ये मानकर चला जाएगा। लेकिन SSC अगर प्रूफ कर दे एसेसिंग ऑफिसर को कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको हमारे यहाँ मिली है या जो एविडेंसेस आप चीख चीख कर कह रहे हैं ये मेरा है ये मेरा है, या जो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ से रिकवर हुए हैं, आप जो कहते हैं वो हमसे बिलोंग करते हैं, ये तो आपने माना है ना, बट इफ आई एम जस्ट गोइंग टू फर्निश यू अ प्रूफ दैट ऑल दीज थिंग्स मीन सम ऑफ देम बिलोंग्स टू मिस्टर सी जो थर्ड पार्टी है, अब मैं कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, नॉन रिलेटिव भी हो सकता है, अगर मैं प्रूफ कर दूं ये मिस्टर पी और ये मिस्टर सी, अगर मिस्टर पी जिसके यहाँ से ये सर्च हुआ और उसके यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स मिले, बुक्स ऑफ अकाउंट मिले या एविडेंसेस मिले, वो प्रूफ कर देता है इसमें से ये चीज़ें फलाना पर्सन की हैं मिस्टर सी की, तो और मिस्टर सी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इस सिटी का नहीं है, वो दूसरे स्टेट या सिटी का है, तो यहाँ का जो एसेसिंग ऑफिसर होगा वो इन बुक्स ऑफ अकाउंट एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स को उस एसेसिंग ऑफिसर को जो उस पर्टिकुलर एरिया का ज्यूरिसडिक्शन रखता है उसको हैंडओवर करेगा और मैटर समझा देगा। वहाँ का एसेसिंग ऑफिसर इस मिस्टर सी के ऊपर 153A वाले वो 6 साल और 10 साल वाले सारे प्रोविजंस लगा देगा। मेरी बात ढंग से समझेंगे, वो सारे के सारे प्रोविजन अब पर्टिकुलर, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि वो सर्च मिस्टर पी के यहाँ भी हो गई थी और ये मान लिया जाएगा कि ये सर्च मिस्टर सी के यहाँ भी हो गई, तो ये एक बेसिक एजम्पशन यहाँ मान लीजिएगा और बहुत अच्छी चीज़ है समझने की। अगर बात हो तो मिस्टर सी को कहा जाएगा आप प्रूफ करिए, अगर वो प्रूफ कर देता है सेटिस्फैक्ट्री मिस्टर ए को तो वो केस उसका वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, और नेक्स्ट सेशन में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने एक केस स्टडी ले आएंगे इस पूरे केस की, 153A और 153C 153B और 153C तीनों को मिलाकर हम एक केस स्टडी तैयार करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली होता कैसे है, ठीक है ना। फिलहाल आज हम प्रैक्टिकली, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आया उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ की बात करेंगे। चलिए, तो कहा गया कि मिस्टर सी के ऊपर भी वो सारे प्रोविजंस लगेंगे जो सेक्शन 153A वाले हैं, 6 ईयर और 10 ईयर्स वाले, अगर लेकिन मीनवाइल मिस्टर सी प्रूफ कर देता है एसेसिंग ऑफिसर को कि सारी की सारी मेरी चीज़ें डिस्क्लोज हैं, कहीं मैंने टैक्स की चोरी नहीं की, एसेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस मिस्टर सी का केस वहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा। इट मीन्स दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल विद यो ऑफ मिस्टर सी टू कंटिन्यू द केस अंडर सेक्शन 153A और ड्रॉप इट। क्लियर है, पक्की बात है। तो 153C, वेयर द एसेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट एनी मनी बिलियन ज्वेलरी और एनी अदर वैल्यूबल आर्टिकल और थिंग सीज्ड और रिक्विजिशन बिलोंग्स टू, या कोई ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट सीज्ड और रिक्विजिशन और एनी इन्फॉर्मेशन कंटेंट देर इन रिलेट्स टू अ पर्सन अदर देन द पर्सन अगेंस्ट हुम सच सर्च इज और रिक्विजिशन इज मेड, देन तब क्या होगा, द बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट, ये अभी तक मिस्टर पी की बात हो रही थी जिसके यहाँ सर्च लगा था, उसके एसेसिंग ऑफिसर को लगता है, तब वो जो एसेसिंग ऑफिसर है जो मेन था, द बुक्स ऑफ अकाउंट जिसने सर्च इनिशिएट किया था, द बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट एसेट सीज और रिक्विजिशन शैल बी हैंडेड ओवर, एवन एसेट्स भी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स भी हैंड ओवर करेगा एसेसिंग ऑफिसर को, उस एसेसिंग ऑफिसर को जिसका उस अदर पर्सन यानी मिस्टर सी का ज्यूरिसडिक्शन है। सच एसेसिंग ऑफिसर शेल प्रोसीड अगेंस्ट ईच सच अदर पर्सन, ईच सच अदर पर्सन यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड इश्यू नोटिसेज एंड एसेस और री एसेस इनकम ऑफ सच अदर पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 153A। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, दिस वॉज योर सेक्शन 153C।
तो अब दो लोग लपेटे में आ गए, एक वो जिसके यहाँ सर्च इनिशिएट हुआ और उसके चक्कर में वो लोग जो उससे कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते थे। इफ असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट एसेट सीड और रिक्विजिशन हैव अ बियरिंग ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ सच अदर पर्सन फॉर सिक्स असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर एंड फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो 6 साल + 4 साल दोनों यहाँ कवर हो गया। अगर उसे लगता है कि आगे इनिशिएशन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए उस दूसरे पर्सन के खिलाफ, तो वो कंटिन्यू कर सकता है उसी तरह से जिस तरह 153A में 6 साल और 4 साल वाला ब्लॉक था, सेम उसी तरह से। फॉर द पर्पज ऑफ अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग द रेफरेंस टू द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च अंडर सेक्शन और मेकिंग ऑफ रिक्विजिशन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द डेट ऑफ रिसीविंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जिस दिन असेसिंग ऑफिसर को, जो नया वाला असेसिंग ऑफिसर हो, जिस दिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मिली है उस दिन को वो मान लेगा कि सर्च इनिशिएट हुआ है, उस दिन से वो काम करना अपना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। टाइम लिमिट की बात करते हैं। टाइम लिमिट क्या कहता है? नॉर्मली अब आप ये समझिए कि अब जो टाइम लिमिट है, मैं 21 महीना 18 महीना भूल जाता हूँ, पहले वाले केसेस क्या होते थे, मैं आपको सीधे सीधे आज प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होता है, 12 मंथ्स, चाहे वो मेन एसएससी की बात करें, चाहे उसके रिलेटिव जिसके ऊपर दूसरी बार किया गया था 153A की बात करें, चाहे 153C की बात करें, दोनों केसेस में 12 मंथ्स का कंसेप्ट है। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च वॉज इनिशिएटेड, तो जिस प्रीवियस ईयर में सर्च हुआ था उस पूरे साल को कंप्लीट कर लो प्लस एक साल और दे दो, ठीक है ना। ऑन द कंक्लूजन ऑफ सर्च, कहाँ गया, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर सर्च वॉज एग्जीक्यूटेड, तो सर्च अभी तो आपने बोला कि जब सर्च इनिशिएट हुआ हो, चलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस केस में, माफ़ी चाहेंगे, वह 12 महीना कब से कवर होगा? 12 महीना कवर होगा जब वो पंचनामा लिखा जाएगा। कब क्या लिखा जाएगा? पंचनामा लिखा जाएगा। सर पंचनामा कब लिखा जाता है? सर्च इनिशिएट हुआ, सर्च को कंप्लीट होने में 4, 5, 6, 7, 10 दिन लग सकते हैं कंप्लीट होने में। अब जिस दिन सर्च कंप्लीट होगा उस दिन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग की जाएगी, रिकॉर्ड किया जाएगा, सबको लिख करके, गवाहों को बैठा करके, पुलिस ऑफिसर का एक बंदा, फिर अपने ऑफिसर, फिर वो बंदा जिसकी वो एसेट्स है, बैठा कर पंचनामा, 5 लोगों का सिग्नेचर यानी गवाहों के साथ साइन किया जाएगा हर चीज़ पर। उस डेट से, जिस दिन ऐसा हुआ है, उस साल के पूरे कंप्लीट होने के बाद पूरा एक साल, इज इट क्लियर। अगर 132 की बात कर रहे हैं, ऑन द कंक्लूजन ऑफ सर्च एज रिकॉर्डेड इन द लास्ट पंचनामा ड्रॉन इन रिलेशन टू एनी पर्सन इन हूज केस द वारंट ऑफ ऑथराइजेशन हैज बीन इश्यूड, हाँ या ना। और इन केस ऑफ रिक्विजिशन, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह की डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो ऑन द एक्चुअल रिसीट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट और एसेट बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर, जिस दिन ऐसा मिलेगा। तो लास्ट ऑथराइजेशन का मतलब द ऑथराइजेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड, ऑथराइजेशन मान लिया जाएगा कि एग्जीक्यूट कर दिया गया, अब ये फेवर में चला गया एसेसिंग ऑफिसर के पास। कब गया? जिस दिन ऐसा पंचनामा तैयार होता है, अगर 132 का केस है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट जब एसेसिंग ऑफिसर को मिल जाता है तो मान लिया जाएगा वो ऑथराइजेशन हो गया, क्लियर है। वहां से हम लोग पूरे 12 महीने लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर टीपीओ का केस है, ट्रांसफर प्राइसिंग, वेयर रेफरेंस हैज बीन गिवन टीपीओ अंडर सेक्शन 92CA, तो ये लोग, आप लोग ट्रांसफर प्राइसिंग यानी इंटरनेशनल टैक्सेशन यानी ट्रांसफर प्राइसिंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग में टीपीओ की बात करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर सेक्शन 92CA। अगर उसका केस है तो इंटरनेशनल केस है, ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है जिसमें अब डोमेस्टिक केसेस भी शामिल होते हैं, तो उस केस में कहा गया है 12 मंथ्स के बदले हम लोग 24 मंथ्स कर देंगे। तो जहां जहां मैंने ऊपर 12 मंथ्स बोला है ना, उसकी जगह आप 24 मंथ्स ये जो बोला ना, 12 मंथ्स ये वो आपका 24 मंथ्स हो जाएगा, ठीक। कहीं कोई इशू नहीं सर,
इन केस ऑफ अदर पर्सन, तो सर ये अदर पर्सन कौन है? वही मिस्टर सी जिसकी बात अभी मैंने की पीछे ये एग्जांपल में, इधर ये जो मैंने किया ना मिस्टर सी की बात, ये इसकी बात कर रहा है। इन केस ऑफ अदर पर्सन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर मेकिंग द असेसमेंट और रीअसेसमेंट शैल बी, तो इसके लिए टाइम लिमिट क्या है? वही 12 मंथ्स जो मैंने अभी नॉर्मल एसएससी मिस्टर पी के लिए 12 मंथ्स बताया, वही 12 मंथ्स उसके लिए भी होगा। या फिर डॉक्यूमेंट्स एसेट सीज्ड और रिक्विजिशंस आर हैंडेड ओवर टू द असेसिंग ऑफिसर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर सच अदर पर्सन। मान लो सर्च इनिशिएट हुआ, पंचनामा हुआ, पिछले साल आगे चला, उसको हैंडओवर किया गया नए असेसिंग ऑफिसर को, उसको मिलने में टाइम लग गया। तो जब से उसको मिला है, जब से उसको वो हैंडओवर किया गया है, तब से विच एवर इज लेटर, उस डेट को ध्यान में रखा जाएगा। जो बाद वाली डेट होगी उसको ध्यान में रखा जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। रिटर्न अंडर सेक्शन 153A आर मैंडेटरी इवन इफ द एसएससी वाज नॉट रिक्वायर्ड इन नॉर्मल केस, सर्च मस्ट बी इनिशिएटेड बाय इशूइंग अ सर्च वारंट। तो बिना सर्च वारंट के आपका सर्च नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शैल बी पास्ड बाय एओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर। तो होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप एक काम करिए, इसको ढंग से रिवाइज करिए, थोड़ी देर में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। लेकिन हाँ, वो टॉपिक लेकर के लास्ट टॉपिक है, सर्च असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें एनलमेंट और रिवाइवल की बात की गई है, ठीक है ना। एक बार आप लोग ढंग से रिवीजन कीजिए, मैंने क्या कहा, आपके पूरे कंसेप्ट को चेंज करेगा। अगर आपका कंसेप्ट कहीं भी ढीला ढाला होगा तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी, 100% आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगी। तो 5 मिनट आप लोग रिवीजन कर लें, उसके बाद फिर से यहां से आप अपना लेक्चर स्टार्ट करिएगा। होप सो रिवीजन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट के एक दो सेक्शन जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे आपके लिए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रिवीजन हो चुका होगा ये मानते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। जो मैंने अब तक बताया सारी चीज़ें दिमाग में होंगी, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स नॉर्मल, 153A, 153C, और हैंडओवर अगर करते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ सच बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, एसेट्स, हैंडओवर जब किया जाएगा उस समय से 12 मंथ्स, 24 मंथ्स TPO के केस में, 92CA के केस में मैंने बताया। अब जो मैंने बताने जा रहा हूँ वो है एनलमेंट एंड रिवाइवल, ओके, और सेट असाइड, ये तीन चीज़ें। हमने अभी ऊपर देखा था ना कि सेक्शन 153A में कि अगर कोई केस पेंडिंग है 143, 144, 147, अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसको हम लोग अबेट कर लेते हैं, यानी एंड कर देते हैं, क्योंकि अब वहां पर लगेगा सेक्शन 153A और बी और सी और डी, यानी उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। चलो, मैंने कहा इसका असेसमेंट फाइनल हुआ, असेसमेंट फाइनल हो गया अंडर सेक्शन 153A, और एसएससी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी, और जो अपील का रिजल्ट आया वो आया एनलमेंट का। एनलमेंट का मतलब होता है जीरो कर देना, जो भी आपने 143A को किया वो सब जीरो। अच्छा, जीरो हो गया तो पहले तो हमने इसको अबेट किया था ना, ये मानते हुए कि हम लोगों का ये सही, सब सही सलामत होगा। अब जब यही सही सलामत नहीं रहा तो ये वापस रिवाइवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवाइवल हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आगे ये केस फिर से सेट असाइड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एनलमेंट के केस को अगर सेट असाइड कर दिया जाए तो ये वापस एंड हो जाएगा। सीज टू हैव इफेक्ट जिसको हम कहेंगे,
अब इसका इम्पैक्ट दोबारा ज़ीरो हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आई, बहुत सिंपल था। ये थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है आज मेरा कंप्यूटर, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। इफ़ एनी प्रोसीडिंग, मैंने क्या बोला, इफ़ एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड और एनी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज डन अंडर सेक्शन 153A हैज़ बीन अनल्ड। 153A का ऑर्डर ही अनल्ड हो गया, यानी खत्म। तो जो जो मैंने अबेट किया था, जो मैंने अबेट किया था असेसमेंट और री असेसमेंट ईयर, जो अबेट किया था शैल स्टैंड रिवाइव्ड। ओके, वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सच एनलमेंट बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। जाहिर सी बात है, अपील तो सीआईटी अपील में ही हुई होगी, हाँ या ना? लेकिन अगर फ्यूचर में फिर से अगर ऐसा ऑर्डर एनलमेंट का सेट असाइड कर दिया जाए, एनलमेंट इज सेट असाइड, किसको सेट असाइड किया गया? एनलमेंट को ही हटा दिया गया। एनलमेंट हुआ तो जो खत्म कर दिया गया था जिंदा हो गया, एनलमेंट को ही खत्म कर दिया गया था, कर दिया तो जो जिंदा हुआ था वो वापस मर जाएगा। शैल सीज टू हैव इफेक्ट इफ एनलमेंट इज सेट असाइड। तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? लास्ट के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 292C एंड 292CC। बताना ना बताना दोनों बराबर है, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको ये आज ही अभी थोड़ी देर पहले बता दिया गया था प्रिजम्पशन, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट मिलेंगे, एसेट्स मिलेगी, रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जिसके ऊपर सर्च इनिशिएट किया गया, मान लिया जाएगा प्राइमा फेसी की उसी से बिलोंग करता है नॉर्मली। वेयर एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट, मनी, बिलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स आर टू फाउंड इन द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन इन द कोर्स ऑफ सर्च और 133A सर्वे, इट मे इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट बी प्रिज्यूम्ड, मान लिया जाएगा सच बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बिलियन, ज्वेलरी, आर्टिकल बिलोंग्स टू सच पर्सन, जिसके यहाँ से मिला है, दैट द कंटेंट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रू, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिए गई हैं चीज़ें वो मान लेंगे सब सही हैं, दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच परपोर्ट टू बी द इन हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का हैंड राइटिंग है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का डिटेल उसमें है, हाँ या ना, या उसका सिग्नेचर है, विच मे रीजनेबली बी एज्यूम्ड, किसी थर्ड पार्टी का या दूसरे पर्सन का, विच मे रीजनेबली बी एज्यूम्ड टू हैव बीन साइंड बाई, जिसको मान सकते हैं कि उसी की हैंड राइटिंग है, उसी का डिटेल है, आर इन दैट पर्सन हैंड राइटिंग एंड द केस ऑफ डॉक्यूमेंट स्टैम्प्ड एग्जीक्यूटेड, सारी की सारी चीज़ें सही हैं, ये मान करके चलेंगे। इज इट क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो सर ये लास्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 292CC। मैंने बताया है कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक केस स्टडी करेंगे 153A, B, C को लेकर के, ठीक है ना, खासकर B और C, पूरा केस स्टडी चलेगा। सेक्शन 292CC, अथराइजेशन एंड असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर, सर्च और रिक्विजिशन। अथराइजेशन, मान लो जो असेसिंग ऑफिसर है उसने एक नोटिस इशू किया और उसमें नोटिस जो इशू किया मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, दे आर नॉट कॉमन पर्सन, ना तो पार्टनर हैं, ना AOP BOI का हिस्सा हैं, बट यस समहाउ दे आर एसोसिएटेड, किसी भी तरह से वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो हुआ क्या, असेसिंग ऑफिसर ने इन चारों के नाम से, पांचों के नाम से एक नोटिस बनाया और उनको रिलीज कर दिया। अब नोटिस रिलीज कर दिया, उनके पास नोटिस पहुंचा और उसके बाद जो असेसमेंट होगा, ए का अलग, बी का अलग, बिकॉज दे आर नॉट द कॉमन पर्सन, पार्टनर AOP BOI, तो उनका अलग अलग असेसमेंट किया जाएगा। एसोसिएट हुए तो क्या हुआ, किसी भी तरह से एसोसिएट हो सकते हैं, बिजनेस के रिलेशन में एसोसिएट हो सकते हैं, तो यहां पर हम सबका अलग अलग असेसमेंट करेंगे। अब ये लोग इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, या ये प्ली नहीं ले सकते कि ये असेसमेंट गलत है, अलग अलग क्यों किया गया है, जबकि हम पांचों के ऊपर एक नोटिस आई थी। तो अब उनसे पूछा जाएगा, भाई आप लोगों के ऊपर असेसमेंट किस तरह से किया जाए, तो इन लोग कहेंगे कि आपने हमको AOP माना है तो AOP की तरह ठेंगा,
आपके बोलने से नहीं होने वाला, आपके बोलने से नहीं होने वाला। तो ये चीज़ क्लियर की गई है सेक्शन 292 सी में। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? ये भी प्ली नहीं लग सकते कि एक ही दिन में सबका असेसमेंट हो, सेपरेट हो रहा है तो भी ओके है। अलग अलग नोटिस दी गई, अलग अलग नोटिस दी गई, एक एसोसिएशन बना, कॉमन मिले, एक असेसमेंट हुआ, तो ये प्ली नहीं ले सकते कि हम लोग एक नहीं हैं। तो किसी भी तरह से अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो एक हैं तो उनके ऊपर एओपी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल केस में जब एक ही नोटिस में कई लोगों के नाम आते हैं और वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं, हाँ एसोसिएट हो सकते हैं बिजनेस रिलेशन के केस में, तो लास्ट में असेसमेंट के समय वो ये प्ली नहीं ले सकते कि हमको एक ही बंदा मान करके, एक ही एओपी या बीओआई मान करके हमारे ऊपर असेसमेंट किया जाए, इस तरह का वो प्ली नहीं ले सकते सेक्शन 292 सीसी में। या तो वो ये नहीं कह सकते कि हमको अलग अलग नोटिसेज रिलीज करो तभी हम अलग अलग असेसमेंट करेंगे, ऐसा भी वो नहीं कह सकते। एक ही नोटिस पे हम लोग अलग अलग असेसमेंट कर सकते हैं, दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक, कौन सा, सर्च असेसमेंट का केस। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, मैंने कहा कि इस टॉपिक को लेकर के, केस स्टडी को लेकर। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।